तुम लोगों की फुटेज मेरे पास आ गई और तुम लोगों को सीधा ट्रंप को ही मैं रिपोर्ट करता हूँ। उफ यार सही बताऊँ ना तो आज तो अल्लाह ने जान बचाई। तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रात को 10 बजे तुम लोग सामने, हम लोग अपने घर वापस आए थे। सुबह मैं उठ गया हूँ 6 बजे तुम लोगों के लिए कि हमारा व्लॉग टाइम पे अपलोड हो जाए। लेकिन 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 यार तुम लोग मेरा व्लॉग देखो ना देखो, तुम लोगों ने लाजमी मेरी खाला के चैनल पे जाके इसको सब्सक्राइब करना। ये देखो बिल्कुल मेरी तरह व्लॉग बना रही है, कैमरे के अंदर अपना मुंह डाल दिया। ठीक कह रही है, ठीक कह रही है, मैं भी यही कह रहा हूँ तुम लोगों से। अभी इस वक्त मैं जाने लगूँ अपनी दुकान के ऊपर, लेकिन मैं ये व्लॉग देख के जाऊँगा। मामा इधर आए जरा। व्लॉग देखा आपने अपनी बहन का? क्या हुआ आज इसमें व्लॉग में? मैं जरा चेक तो करूँ। आपने खुद भी व्यू दिए? कोई नहीं दिया। वो वोट डालने गई थी, व्यू भी दिया मैंने। किसको दिए उन्होंने वोट? वोट किसको दिया उन्होंने? उसको वो जो कैमिला हरिस। मैंने वैसे पहले कहा था ट्रंप क्यों आपका चाचा लगता है? चाचा था लेकिन वो काफी उसकी वो भी जो हमें वीजा देगा हमारा वोट उसके लिए। कैसे इस मुल्क में रहे? अरे अभी मैंने खाना खा लिया भाई साहब, मैं दुकान के लिए निकलने लगा हूँ। शेख साहब आज तो वो दिन था जिस दिन हैप्पी टू यू का आपको मैंने गिफ्ट लेके देना था। चलो अभी किस तरह चलो, अभी तो पापा ने मुझे जायदाद बाहर निकाल दे। इतना मैं सारा वक्त बाहर घूमता रहता हूँ, दुकान पे गया ही नहीं यार सुबह का। आज खाने में मामा ने चिकन कढ़ाई, लोबिया और ये क्या बैंगन और ये पकौड़े। ये किस चीज के पकोड़े? ये सब्जी के। मैंने बस थोड़ी सी कढ़ाई और लोबिया ही खाया था। ये व्लॉग कितना हो गया यार, ये व्लॉग अपलोड हो चुका है, ये तो प्रोसेस लिखा हुआ, इसको बंद करते हैं। बाकी खाला का व्लॉग यार मैं गाड़ी में बैठ के देखता हूँ। चलिए मैं जा रहा हूँ, हाफिज। ओके ओके हाफिज। सीधी बात है, आज की डेट में मैंने यूट्यूब से इतना पैसा तो नहीं कमा लिया कि मैं तुम लोगों को अमेरिका भी जाके दिखा दूं। इस वजह से यार तुम लोग कहते हो मेरी खाला के चैनल पे जाओ, वो तुम्हें पूरा अमेरिका घुमा के दिखा देंगी। वेगस, ओ भेंस, ओ भेंस, ओ भेंस। और मैंने क्या कहा? ओ भैंस, वो ये तो अटैक करने आई थी यार। ओ भैंस तीसरी भी निकल रही है, ये क्या कारनामा? कुछ और तो नहीं मारे थी, मैंने तंग कर दिया। ओ चौथी भी आ गई, पूरा गैंग। ओ ये क्या आ गया भाई, बदमाशी पान। ओ भागना पड़ेगा, अटैक करने आ गई थी यार। वो देखो मेरी ग्लासेस वो बीच में गिरी हुई उधर। ये देखो यार, ये देख मेरी तरफ ही रही है, मेरे ख्याल से मुझे अटैक करने लगी। ये मुझे अटैक करने के मूड में गाइस। जिंदा पहुंच गए हम अंदर। तुम लोगों को सही बताऊं, ये तो मेरी जान के पीछे पड़ गई थी आज। ये बोली यार वो बिल्ली थी, डर गई। ये वो बिल्ली थी जो मुझे अटैक करने आई थी अपने गैंग के साथ। तुम लोगों की फुटेज मेरे पास आ गई और तुम लोगों को सीधा ट्रंप को ही मैं रिपोर्ट करता हूँ। गर्मी से रात को समझ नहीं आई, इतनी ठंड होती है इस वक्त, इतनी सख्त गर्मी, मुझे नहीं समझ आती है लॉजिक। मुझे तो तुम लोगों का लाजमी पता, तुम लोगों ने इसको ही शुगर में लेना। तुम लोगों ने शायद कैमरे में नहीं देखा होगा, कसम से मेरी जान लेने चारों एक साथ फ्रूम घसकी थी बीच। जिस स्पीड से मैं भाग के गया ना, इतनी स्पीड से मैं कभी कुत्ते से भी नहीं। ये बिल्लियाँ नहीं है, ये कुत्ते से भी आगे की कोई नस्ल है। कुत्ते का पिल्ला कुत्ता होता है, शेर नहीं। और इंसानों का सरदार ये है कि मैं इस घर से बाहर निकल जाऊँ। पुत्र तुझे मैं निकालता हूँ बाहर। उफ यार सही बताऊँ ना तो आज तो अल्लाह ने जान बचाई। तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस नोट पे हम स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, तो लेट्स गो। मैं तो ट्रॉमेटाइज्ड हूँ। क्या गुंडा बनेगा रे तू? फिर तुम लोग मुझे कहते हो कि हमें भूत हवेली का टूर करवाई। ये बिल्लियाँ नहीं थी, तुम लोग समझ रहे हो कुत्ते की नस्ल है। कुत्ते की भी नस्ल नहीं है, इनके अंदर मंजुलिका की रूह घुसी हुई है। यार मैं तुम लोगों को कब से तो बता रहा हूँ, खाला जादू करने वाली मंजुलिका है। तुम लोग घर में जो बिल्लियाँ कभी इतनी शेर बनी है की चार का ग्रुप बना के मेरा ही काम तमाम के चक्कर में थी, लेकिन पुत्र नहीं, बिलाला जी ने इन्हें मेरे पीछे ना भेजा। यार सुबह सुबह ही कॉमेडी होगी है जिंदगी में। सुंदर को भी मैंने कहा स्टोरी सुना दूं जो मेरे साथ आज हो चुका है। सुंदर मैं घर से निकला हूं अभी, थोड़ा सा आगे गया हूं ग्राउंड तक जिधर डिस्को खड़ी होती है ना, वो बड़े ग्राउंड में। उधर एक वो काली बिल्ली नहीं होती, उसने अपने साथ तीन बिल्लियों को और मिलाया, उन सारों ने मेरे पे अटैक किए। मैं फुल स्पीड में भागा हूँ, उधर से एक ने मेरे हाथ में पंजे भी मार दिए। पंजा लगेगा तो लगेगी नहीं सुंदर, कैसी बातें कह रही हो? कट अच्छा खासा पड़ा है, तुम्हें मैं दिखाऊंगा पिक्चर। और मैंने क्या किया, उसके अंदर मंजुलिका की रूह थी। सुंदर वैसे मैंने हिसाब लगाया, एक तो मैं बिलाला जी पे बहुत शक में हूँ कि उसने एक ये काम किया होगा ना, बिल्लियों वाला नहीं मंजुलिका वाला। तो दूसरा ना, एक मुझे शक है कि जब से मेरी जिंदगी में तुम आई हो ना, उसके बाद से मंजुलिका एग्जिस्ट करती है। क्यों
पर ये बिलाला जी है 100%। चलो थैंक यू, तुमने मुझे ये केस सॉल्व करने में बड़ी मदद की, मैं तुम्हारा शुक्र गुजार हूँ। गाइस सुंदर जैसो का जिंदगी में अपना चैनल बनाया कि इसको लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करना। सुंदर मजाक नहीं कर रहा, कसम से बिलियन अटैक की। कौन गया भाई दुनिया की सबसे बड़ी दुकान चाइना टायर पे? पापा लगता है पहले ही चले गए अंदर, लगता है कस्टमर बैठा, कोई नहीं फारिग है सब। सुबह से ना एक आलू बिका है ना ही बिका है आधा कांदा। नेक्स्ट डे कल शॉप पे यार मैं इतना बिजी हो गया था कि पूछो ही मत। रात को मैं 8 के 8:30 बजे घर पहुंचा, उसके बाद मैं इतना थक गया था तो फिर मैंने व्लॉग ही कोई नहीं बनाया आगे। अभी तुम लोग मुझे देख के समझ तो गए होगे हम लोग ऑलरेडी किस जगह पे आ गए। यार तुम लोगों को बताया था कि इंटरनेट लगवाना है तो उसके लिए मैं इधर आ गया। मुझे ये भी याद है कि तुम लोगों को मैंने कहा था कल के दिन में ना लाजमी हम मामा को बर्थडे का गिफ्ट लेके देंगे, लेकिन यार तुम लोगों को काम तो हमारे पता ही है कि कैसे होते हैं। अपार्टमेंट के अंदर से उन्होंने कनेक्शन दे दिए, बस बाहर से मेरे ख्याल से कहीं से वो कनेक्शन दे रहे हैं, उसके बाद निकलते हैं इधर से। एक चीज तुम लोगों को बताई नहीं कि यार मामा को भी साथ उठा के ले आए हो इधर, के मामा का बर्थडे गिफ्ट ना रह जाए। मैंने कहा मामा बार बार अपने कामों में बिजी हो जाता हूँ, तो आज आपको वापसी पे बर्थडे गिफ्ट आपका लेके दूंगा, उसके बाद एक ही दफा मैं दुकान पे जाऊंगा। तो अब आप बताते हैं आपको क्या गिफ्ट चाहिए। मैंने तो सूट ही सोचा हुआ, मुझे लग रहा था इंटरनेट लगाने का काम छोटा है लेकिन काम काफी लंबा है। उसने अंदर से कनेक्शन किया, बाहर से कनेक्शन किया तो, लेकिन भूख मुझे अब बहुत चक लगी क्योंकि मैं सुबह का नाश्ता ही नहीं किया। मैं तो नाश्ता किया हुआ। आपको लग गया भूख? हाँ लग गई है। तो फायदा क्या हुआ आपके नाश्ता करने का? भूख मुझे भी लग गई है, भूख आपको भी लग गई। चले मुझे तो अब लगी है, तुम्हें कब की लगी हुई? क्या ये काम खत्म करते हैं ना तो बस निकलते हैं इधर से। आज आपका दिन है समझे, आपकी बर्थडे परसों नहीं थी, आपकी बर्थडे आज है। सुबह का आज खाली चिया सीड जो है पानी पिया हुआ, और टाइम देख लो 3 बज गए, अभी तक खाना भी कोई नहीं खाया। यार जल्दी से कोई ऑर्डर देते हैं। मेरा एस्पेटाडा मंगवा। मैं यार अभी कुछ हेल्दी लेता हूँ, कोई राइस वगैरह नहीं लेने। ये क्वार्टर चिकन ठीक रहेगा, और 2 साइड्स कर लेते हैं साथ, एक साइड करते हैं चिप्स नहीं करने, कॉर्न कर लेते हैं और साथ कोल स्लो। ठीक है अभी इस वक्त एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, एक दफा खाना आ जाए ना फिर तुम लोगों से मिलता हूँ। 12 seconds later मामा का एस्पेटाडा आ गया। मामा ने मेरा वेट ही कोई नहीं किया। ये ले प्लेट उठा ही ले आप, ये साइड पे करते हैं। मेरी वीडियो बनाने का वेट ही कोई नहीं किया, पहले ही चिकन स्क्वायर से उतार लिया। मैंने क्वार्टर चिकन के बजाय हाफ चिकन करवा दिया था, मैंने कहा हाफ रात को खाना हुआ ना तो काम आ जाएगा। अभी जो है ना सिर्फ हम क्वार्टर ही वही खाएंगे और साथ थोड़ी सी कॉर्न और साथ कोल स्लो। अभी पहले ना कॉर्न ट्राई करते हैं। ठीक है जैसी कॉर्न होनी चाहिए वैसी है। कोल स्लो यार बड़ा थिक लग रहा है, इसको भी ट्राई करते हैं। कोल स्लो बहुत ही अच्छा, बहुत ही फ्रेश है। मामा का गाइस एस्पेटाडा था, साथ मामा ने थोड़े से राइस और थोड़े से वेजेस बनाए हुए। मामा कैसा है आपका? बहुत अच्छा। हैप्पी बर्थडे टू यू। खाना खा लिया इस वजह से देख लो थोड़ी एनर्जी मेरे में आ गई। मामा ये मेरा कार्ड पकड़े ना आप, तो जाए अपनी मर्जी से जोन सी चीज लेनी है ना जाके अपनी मर्जी की ले। नहीं नहीं तुम साथ चलोगे? ओ यार मामा मैंने क्या करना है? 2 मिनट का काम है, आ जाओ। यार मामा मैंने देखा अपनी मर्जी का जो मर्जी चीज ले। नहीं नहीं जो मर्जी लूंगी तुम भी चलोगे साथ, जल्दी करो। मुझे दिखा के लेंगे? अच्छा चलो ठीक है, चलो कोई नहीं, बर्थडे तो चले जाते हैं। वैसे मैं इतना औरतों की दुकानों पे जाता नहीं। सुंदेश की बर्थडे थी ना तो सुंदेश को मैंने इधर ही उतारा था, खुद ही अंदर से जाके ले रही थी। जल्दी जल्दी चले आगे दुकान पे भी जाना है, पापा इंतजार कर रहे हैं मेरा, जल्दी करें। मामा कह रही हूँ ऑनलाइन मैंने सूट ऑलरेडी देखा हुआ है, वही चीज लेनी है, बस यूं अंदर जाऊंगी यूं बाहर निकलूंगी। क्या हुआ? स्टोर ही नहीं खुला। बाहर उन्होंने बोर्ड इतना बड़ा लगाया हुआ है लेकिन अंदर आए हैं तो उन्होंने कहा कि अभी खुला ही कोई नहीं है, अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है अंदर। दूसरी ब्रांच पे आपको लेके जाऊंगा, उधर से आपको ले जाता हूँ, वो कुछ नहीं लगा, इधर ब्लॉग में कॉन्सेंट्रेट कर। अभी दूसरी ब्रांच पे चलते हैं, उधर से मामा को ले देंगे इंशाल्लाह। अगर उधर से ना मिला तो मतलब वो सूट जो आपकी किस्मत में नहीं है, आप छोड़ दें, भूल जाएं। अच्छा चलो ठीक है, नहीं तो कुछ और ले लेना। इधर यार वो दुकान बनी हुई कोई नहीं थी, अभी बाहर बोर्ड लगा हुआ है। वैसे मुझे भी वाकई यही अच्छा लग रहा था, ले ले। नहीं बाद में ना ले लो। ओ यार मामा नहीं 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 नहीं, बर्थडे का है, अभी आप लेके खत्म करें चाहे जो भी पसंद आ रहा है। वो पिंक अच्छा था पीछे, पिंक अच्छा है वो, लेकिन मुझे कॉटन लग रही है। मुझे भी यही अच्छा लग रहा है। ये मैम वो है डॉबी स्टफ में है, सर्दियों का विंटर के लिए। किस स्टफ है? डॉगी स्टफ? डॉबी डॉबी। अच्छा डॉबी में है, डॉगी स्टफ। अब सही हुई है आपकी, हैप्पी टू यू। मामा ने गाइस ले लिया, बस अब निकल लेंगे। वेलकम। पहुंच गए गाइस इस वक्त घर वापस, मैं जल्दी से हाथ मुंह धो लूं ना उसके बाद मैं निकलता हूं दुकान पे। आज गाइस सॉरी थोड़ा व्लॉग भी छोटा बने क्योंकि एक दफा मोमेंटम मिल जाए ना व्लॉग बनाने का तो उसके बाद सब कुछ गिचमिच सा हो जाता है। तो बस यार अभी मैं दुकान पे निकलने लगा हूं, उसके बाद सुंदर ने अपार्टमेंट की जो पैनलिंग बताई थी ना वो भी आज मैं खरीद के रख लूंगा, लेकिन अपार्टमेंट का अब मैं तुम लोगों को उस वक्त दिखाऊंगा जिस वक्त अपार्टमेंट फुली फर्निश हो जाएगा। एक एक डीप चीज दिखा दिखा के बोर तो नहीं कर देना ना। मामा की भी बर्थडे की चीजें करवा दी सारी, कल वे व्लॉग में कुछ और करेंगे। इस नोट पे मैं एंड करता हूं आज का व्लॉग। अगर तुम लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ओके।